हरे कृष्णा सभी को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम बुटीक रेटलेस के बारे में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपने घर में अपना बुटीक का सेटअप कर रखा है, उस कंडीशन में आपको क्या रेटलेस रखने चाहिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या रेट लेती हूँ, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो कि आपके बहुत काम। अगर आप अपना बुटीक का रेट लिस्ट जो है बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे ना सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी आप रेट लिस्ट बनाएं तो कम से कम 3 या 4 जगह आपको पता करना है कि वहाँ पर जो रेट लिस्ट है वो क्या चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है हम दूसरों की जो रेट लिस्ट होती है उसको कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है अपने रेट को रखना चाहिए। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे गांव से होते हैं तो गांव का रेट क्या होता है बिल्कुल अलग होता है, शहर का रेट अलग होगा। और भी आप हाई फाई एरिया में जाएंगे तो वहाँ का रेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेट जो होते हैं ना वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे गाँव में रहते हैं तो वो शहर के जो रेट होते हैं उसको कॉपी करते हैं। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप इस तरीके से जो है अपनी रेट लिस्ट डिसाइड करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है ना वो कहीं ना कहीं स्लो रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो बुटीक है वो रन करे, तो आपको सबसे पहले अपना जो बुटीक रेट है वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखना है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई कर देना है, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा लो कर दे। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कर देंगे तो भी कस्टमर्स को लगेगा कि अच्छा हाँ इनके रेट बहुत कम है, तो वो थोड़ा वैल्यू कम देते हैं। तो कभी भी अपनी जो रेट लिस्ट है ना वो ना तो हाई रखें और ना ही लो रखें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक बार आपके पास कुछ भी स्टिच कराने आ रहे हैं और आपने बहुत हाई फाई रेट बता दिए तो वो दोबारा आपके पास आए ना। तो इसलिए जब भी आप अपनी रेट लिस्ट बनाते हैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग बनाएं, वहाँ के लोगों को देखकर बनाएं। अगर आप यहाँ पर न्यू हैं, अगर आपने अभी अभी ओपन किया है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आपके एरिया में लोग पहले से स्टिच कर रहे हैं, पहले से जिनका बुटीक है, उनके बुटीक से आपको ना थोड़ा कम ही रेट रखना है स्टार्टिंग में। आगे चल के आप अपना रेट बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको बुटीक रेट लिस्ट जो है वो डिसाइड करते टाइम सबसे पहले अपने एरिया के बारे में सर्च करना है। आज जो मैं आपके साथ ये रेट लिस्ट शेयर कर रही हूँ ये कॉमन है और ज़्यादातर जगह पे जो है इस टाइप की रेट लिस्ट चल जाती है, ठीक है। अगर आप गांव से हैं तो थोड़ा बहुत आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आपका जो है लोकेशन ऐसी जगह है जो ना तो बहुत ज़्यादा हाई फाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, मीडियम है, तो आप इस रेट लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो यहाँ पे मैं रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये जो है यहाँ पे चेंज होती रहती है। आप अपने बुटीक में हर 6 महीने में या फिर 1 साल में इसको जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़, यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, आपकी लोकेशन क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जो है यहाँ पे एक नॉर्मल जो हमारा चार्ट रहता है बुटीक का, होम बुटीक का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक सिंपल ब्लाउज जो कि यहाँ पे बिल्कुल सादा होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉटन का जो फैब्रिक होता है उससे हम ब्लाउज रेडी करते हैं। इसका जो चार्ज रहता है नॉर्मली वो यहाँ पे है 120। इसमें यहाँ पर जो है आपका पाइपिंग वाला नेक रहेगा, इसी के साथ जो है यहाँ पे काफ़ी लोग डोरी भी लगवा लेते हैं, उसमें डोरी जो है ऐसे ही लगा दी जाती है। इसी के साथ अगर यहाँ पर कोई डिज़ाइन डलवाता है स्लीव्स में या फिर यहाँ पे बैक साइड, तो उसका जो है यहाँ पर आप 30 से 50 रुपये जो है ऐड कर सकते हैं। कोई नॉर्मल डिज़ाइन है तो आप यहाँ पे 30 रुपये ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप 50 ले सकते हैं। काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस होती हैं उसके लिए आप यहाँ पे 70 या फिर 100 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसेस कट या फिर बेल्ट वाला, जो कि हमारा सिंपली ब्लाउज होता है जिसमें लाइनिंग नहीं होती है। उसका यहाँ पे जो चार्ज है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं 150, यानी कि 150 रुपये। सेम वही रहेगा अगर कोई डिज़ाइन डलवाता है, सिंपल डिज़ाइन है तो आप 30 ले सकते हैं, और उसमें कोई आपको लग रहा है थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप 50 भी ले सकते हैं। तो ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है हमारा लाइनिंग सिंपल ब्लाउज़, यानी कि अस्तर वाला ब्लाउज़ होगा और बिल्कुल प्लेन होगा, यानी कि सिंपली हम उसमें केवल पाइपिंग यूज़ करेंगे, राउंड नेक होगा फ्रंट और बैक में और कोई डिज़ाइन नहीं होगी। उसका जो यहाँ पे चार्ज रहेगा वो रहेगा 250, ठीक है। अब सेम ये वाला प्रोसेस में भी हमें फॉलो करना है, कोई डिज़ाइन है तो उस तरीके से डिज़ाइन वाला आप सभी में ऐड कर लीजिए, जो डिज़ाइन होगी वो आप उस अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं। सिंपल डिज़ाइन का जो है मतलब नॉर्मल कोई डिज़ाइन है जल्दी बन जा रही है तो आप 30 रुपये चार्ज कर सकते हैं, टाइम लग रहा है तो आप 50 रुपये, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप 100 रुपये तक भी जा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा लाइनिंग वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज जो होता है या फिर आपका बेल्ट ब्लाउज है, ठीक है, लाइनिंग यानी कि अस्तर वाला हमारा प्रिंसेस कट होगा और अस्तर वाला ही बेल्ट वाला, तो इसका जो आप चार्ज ले सकते हैं यहाँ पे 300, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है और इसी के साथ जो डिज़ाइन है वो आपका सेम रहेगा। इसके बाद आता है हमारा कटोरी वाला ब्लाउज जिसको हम पैडेड ब्लाउज या फिर यहाँ पे जिसमें हम कप्स ऐड करते हैं, तो उस ब्लाउज का जो चार्ज है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं 300।
इसके बाद आता है हमारा लहंगा ब्लाउज। इसमें क्या होता है, हमें डोरी अपनी साइड से लगानी होती है और चैन वगैरह जो भी इसका मटेरियल होता है वो हमें अपने पास से लगाना होता है। इसका जो है आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं 400, ठीक है। अगर कोई अलग से, वैसे तो इसमें डिज़ाइन का कुछ रहता नहीं है, बहुत रेयर केस ही होता है, सिंपली हमें इसको रेडी करना होता है। अगर कोई डिज़ाइन अलग से कुछ एक्स्ट्रा कराता है तो उसका आप चार्ज अलग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिंपल सलवार सूट। यहाँ पे ब्लाउज जो है यहाँ पे ख़त्म होते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे सूट। तो सूट में भी आपको ना बहुत तरीके की जो है कैटेगरी मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो बिल्कुल सिंपल सलवार सूट होता है, जिसमें गोल गला फ्रंट और बैक में और नीचे हमारी सलवार रहेगी, उसका यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं 250, ठीक है। इसमें भी काफ़ी लोग क्या होता है डिज़ाइन डलवाते हैं, यानी कि जो सलवार होती है उसमें भी डिज़ाइन डलती है बॉटम में, एंड स्लीव से भी डलती है और गले वगैरह पे तो डलती है। तो उसका जो है यहाँ पे आप चार्ज अपना ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिंपल सूट या अफगानी सलवार के साथ होगा वो, या फिर ट्यूलिप सलवार के साथ, ठीक है। सूट हमारा प्लेन होगा, उसमें जो है आपको अफगानी या फिर ट्यूलिप सलवार जो है यहाँ पर आपको रेडी करनी होगी। तो उसका यहाँ पर आप जो चार्ज कर सकते हैं वो यहाँ पर आप करेंगे 300, ठीक है। तो उसका आप यहाँ पे 300 कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आती है सिंपल कुर्ती, जिसके साथ हमें पैंट रेडी करनी होगी, इसका भी चार्ज आप यहाँ पे 300 ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा कुर्ती प्लाज़ो, जिसमें हमें नीचे प्लाज़ो रेडी करना होगा। और प्लाज़ो में जो है यहाँ पे सिंपल ही रहता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जो है इसका चार्ज 280 ले सकते हैं। तो इसका चार्ज आप जो है यहाँ पे 280 ले सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी केवल कुर्ती। अगर कोई क्या है केवल कुर्ती रेडी कराना चाहता है तो केवल कुर्ती जो है आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं 150। अगर कोई केवल सलवार रेडी करा रहा है, यानी कि कुर्ती नहीं है केवल सलवार है, तो आप यहाँ पे 120 ले सकते हैं। अलग अलग लेते हैं तो रेट थोड़ा चेंज हो जाते हैं। इसके बाद कोई अगर पटियाला अफगानी या फिर ट्यूलिप सलवार अलग से रेडी कराता है तो आप यहाँ पे 150 उसका चार्ज ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इतना चार्ज ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लाइनिंग वाला। जो हम सूट रेडी करते हैं, एक तो होता है बिल्कुल प्लेन, हमें उसमें कोई अस्तर नहीं लगाना होता है, एक होता है हमें उस पर ना लाइनिंग यानी कि अस्तर लगाना होता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो सूट होगा हमारा, यानी कि कुर्ती जो ऊपर की होगी उसमें भी अस्तर का यूज़ होगा और नीचे जो सलवार होगी उसमें भी जो है वो अस्तर लगेगा। तो दोनों में अगर अस्तर लग रहा है तो आप यहाँ पर इसका चार्ज कर सकते हैं 450, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हाफ लाइनिंग यानी कि केवल सूट में अस्तर लग रहा है, सलवार में अस्तर नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर 350 जो है यहाँ पे आप चार्ज ले सकते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर जो सूट होता है हमारा उस पर लगाने के जो है यहाँ पे आप 100 रुपीज़ चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ जो है यहाँ पे अगर सूट है केवल या सलवार है तो आप यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। केवल सूट है तो 100 रुपीज़, दोनों है तो यहाँ पे 200 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा फुल लाइनिंग पैंट कुर्ती। जो हमारी कुर्ती है वो भी लाइनिंग वाली और जो पैंट है वो भी लाइनिंग वाली, दोनों में अस्तर लगेगा। तो पैंट वाले में हम यहाँ पे कर देते हैं 500, क्यों। तो यहाँ पर जो हम प्लेन वाले जो सूट था हमारा उसका हम यहाँ पे रेट ले रहे थे 300, जिसमें मैंने यहाँ पे 200 ऐड कर दिया है, ऊपर भी और नीचे भी लाइनिंग है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा 500 हो जाएगा। इसमें भी अगर कोई डिज़ाइन डलवाना चाहता है तो यहाँ पर जो है आपको वही रेट कर देने हैं। अगर कोई सिंपल डिज़ाइन है तो वो आप 30 रुपये, और कोई अच्छी डिज़ाइन है थोड़ा बहुत लग रहा है तो 50 रुपये। 30 से 50 और 100 भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर है वो। इसके बाद आता है हमारा हाफ लाइनिंग पैंट सूट। इसमें क्या है, केवल हमारा जो पैंट होगा उसमें वो नहीं होगा हमारा लाइनिंग, सूट में हमारी लाइनिंग होगी, ठीक है। यानी कि दोनों में से किसी एक में लाइनिंग है तो यहाँ पर आप 400। अच्छा, कभी कभी क्या होता है सूट जो होता है ना उसमें भी हाफ लाइनिंग लगाते हैं, यानी कि केवल कमर तक जो है लाइनिंग का यूज़ होता है, नीचे लाइनिंग नहीं लगवाते हैं। तो उसमें जो है यहाँ पे केवल 50 रुपये एक्स्ट्रा रहते हैं हमारे, तो यानी कि हम उसका चार्ज करेंगे 350 रुपीज़, क्योंकि हमारे जो सूट है उसके चार्ज है 300 रुपीज़ सादा की। तो उसमें हम जो है यहाँ पे 50 रुपये ऐड करके 350 रुपये जो है वो यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद हमारी बात आती है लाइनिंग वाली कुर्ती की, यानी कि काफ़ी लोग होते हैं ना केवल जो है सूट लेके आते हैं लाइनिंग वाला, तो उसका जो यहाँ पे चार्ज है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो हम कुर्ती का रेट ले रहे थे वो हम यहाँ पे ले रहे थे 150, ठीक है। तो यहाँ पे हम 150 ले रहे थे, अब यहाँ पे लाइनिंग है, फुल लाइनिंग है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़, केवल कमर तक लाइनिंग यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे हम 50 रुपीज़ यानी 50 रुपीज़ बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से इसके रेट हो जाएंगे यहाँ पर 250, ठीक है। इसके बाद केवल पैंट में लाइनिंग है तो सेम वही रहेगा,
150 पैंट का रहेगा, इसमें 100 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, तो इसका भी 250 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है लाइनिंग वाली सलवार की। तो जो हमारे सादा सलवार के रेट हैं जो कि हैं 120, इसमें हम ऐड कर देंगे 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 220 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई डिज़ाइन है तो आप उसको ऐड करते रहिएगा। तो ये मैं जो है केवल यहाँ पे जो मेन ड्रेस के रेट है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद बात आती है हमारी जो नायरा कुर्ती होती है, आलिया कुर्ती है, या फिर जो प्लेटेड वाली प्रिंसेस कुर्ती हैं, तो इन सभी के जो रेट हैं आप यहाँ पे 350 ले सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और इसमें सिंपली जो है हमारी नायरा कुर्ती होगी, प्लेन नायरा कुर्ती होगी, इसमें आप डिज़ाइन वगैरह नहीं ऐड करेंगे। अगर आप डिज़ाइन वगैरह ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिज़ाइन का जो चार्ज है वो अलग से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे इन तीनों ही तीन नहीं चार कुर्ती हो गई हैं, तो इन चारों कुर्तियों का जो रेट है वो यहाँ पे आप 350 ले सकते हैं। इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा डिज़ाइन वगैरह है, कोई लेस वगैरह लगवा रहा है, तो उसका आप यहाँ पे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ उस अकॉर्डिंग अलग से चार्ज ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे लाइनिंग वाली नायरा कुर्ती रेडी करा रहा है तो आप जो है इसमें चार्ज कर सकते हैं 100 से 150 तक। ठीक है, तरीके से आप आलिया कुर्ती में भी यहाँ पर 100 से 150 तक चार्ज कर सकते हैं, यानी कि 100 से 150 रुपीज़ तक। सेम ऐसा ही यहाँ पर आप कर सकते हैं, 100 से 150 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लाइनिंग रहेगी वो जो है कस्टमर खुद आपको देंगे, आपको यहाँ पे लाइनिंग यूज़ नहीं करनी है। अगर कस्टमर लाइनिंग नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे लाइनिंग का चार्ज अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जितने की भी आप लाइनिंग लेके आएंगे उसको यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर चार्ज लेने हैं लाइनिंग वाली नायरा कुर्ती के और सिंपल नायरा कुर्ती के। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये वाले रेट जो है सेम रहेंगे। तो ये जो है हमारी यहाँ पर कुर्ती जो है यहाँ पर ख़त्म हुई। इसके बाद जो है यहाँ पे रह जाता है कि फ़िटिंग वगैरह के लिए। तो नॉर्मल जो है यहाँ पे अगर आपको फ़िटिंग में कुछ भी ओपन नहीं करना है तो यहाँ पर आप उसका चार्ज 30 रुपीज़ ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसमें जो है आपको थोड़ा बहुत खोलना पड़ रहा है तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं 50 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा साड़ी में फॉल वगैरह जो लगाई जाती है, उसका जो है आप 50 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आती है लहंगा फ़िटिंग। जो लहंगा आते हैं उसमें क्या होता है, साइड में चैन लगा के फ़िटिंग करनी होती है और थोड़ा बहुत कमर में भी जो है कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको भी सेट करना होता है। उसका यहाँ पे आप चार्ज 100 से 150 तक ले सकते हैं। कभी कभी लहंगे जो होते हैं काफ़ी हैवी वर्क वाले भी आ जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग जो है आप इसका चार्ज ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको अलग से बता रही हूँ, काफ़ी बार क्या होता है कॉलर वाली जो कुर्तियाँ हैं, कॉलर वाली हमें कुर्ती रेडी करनी होती है या फिर हमें जो है यहाँ पे ब्लाउज़ में कॉलर लगाना होता है, तो उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे कॉलर के रेट अपने फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपका जो कॉलर है ये प्लेन वाला है तो आप यहाँ पे 30 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई कॉलर राउंड कॉलर है, शर्ट कॉलर है या फिर यहाँ पर जो है वो कोट कॉलर है, तो आप यहाँ पे उसके 50 या फिर 70 रुपीज़ तक जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो कॉलर के अकॉर्डिंग जो है आप ये रेट अपने रख सकते हैं। और डिज़ाइन का मैंने आपको बता ही दिया है, डिज़ाइन सिंपल वाली है तो आप 30 रुपीज़, भाई थोड़ा सा और भी ज़्यादा है तो आप 50 रुपीज़ ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, काफ़ी बार होता है बहुत हैवी डिज़ाइंस होती हैं जिसमें आपको थोड़ा अपने साइड से भी लगाना पड़ जाता है, जैसे मोती वगैरह लगा लिए, ठीक है, लेसेस वगैरह अलग से यूज़ हुई हैं, तो आप उसका 100 चार्ज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनका चार्ज ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेट लिस्ट, आई होप आपके लिए रेट लिस्ट हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करूंगी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो स्टिचिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, न्यू ड्रेसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।